जेबीटी छात्रों ने स्थानीय मानसरोवर पार्क में आज इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री आवास को घेरने का प्रयास किया। प्रशासन ने इस प्रदर्शन को देखते हुए जगह जगह पुलिस बल तैनात किया हुआ था, जिसके चलते उन्होंने अशोका चौक पर रोक लिया गया। आज सुबह से ही जेबीटी छात्र मानसरोवर पार्क में इंटर्नशिप के विरोध में इकट्ठा हो रहे थे। दोपहर 1 बजे तक सैकड़ों की संख्या में छात्र मानसरोवर पार्क पहुंच चुके थे। इस प्रदर्शन में छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी छात्रों ने जुलूस की शक्ल में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री आवास की तरफ चल पड़े। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया हुआ था। अभी प्रदर्शनकारी अशोका चौक पर ही पहुंचे थे कि पुलिस ने उन्हें वहीं रोक लिया। पुलिस ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्रों ने उनकी एक न सुनी। इसके बाद एसडीएम जगदीश शर्मा ने मौके पर पहुंचकर इन प्रदर्शनकारियों की समस्या सुनी, जिसके बाद ही ये प्रदर्शनकारी शांत हुए। इस मौके पर जेबीटी छात्र नफीस अहमद ने बताया कि जब उन्होंने जेबीटी में दाखिला लिया था, उस समय जेबीटी 2 साल की थी, लेकिन सरकार ने अपनी मनमर्जी से इसे 3 साल कर दी है, जो कि जेबीटी छात्रों पर सरकार की मनमर्जी है। इंटर्नशिप को वापस लेना और अध्यापकों की नियमित भर्ती करना ही उनकी मुख्य मांग है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो जल्दी ही जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। जो हमारा 2 साल का कोर्स था वो 3 साल का कर दिया गया है। इसमें 2 साल का जो है ना डिप्लोमा होता है, जो 3रा साल लगा है वो इंटर्नशिप लगाई है, उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक तरह से स्टूडेंट यूनियन के साथ एक तरह से शोषण है, जिसमें क्या है कि हमें 9 महीने तक बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा 2-2.5 हज़ार रुपये में। और हमारे जो मुद्दे हैं वो 3 मुद्दे हैं। एक तो हमारा डीएड का जो कोर्स है वो 2 साल का ही रहे, जो कि पहले था, और इसमें से जो 6 महीने की इंटर्नशिप है ये बिल्कुल हटा दी जाए। हम लोग पूरा जोर शोर से प्रदर्शन करेंगे और अपना अपने हक की जेल भरो आंदोलन भी करेंगे।